दिखा सकता है। ये तो धार्मिक बुनियादियों को रोकता है, ये तो आडवाणी को गिरफ्तार करता है, ये तो हिंदू मुसलमान की एकता की बात करता है। और चलिए इसी के साथ अब खबरनामा की शुरुआत कर लेते हैं। बिहार में प्रमुख विपक्षी दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है। जगदानंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ ही उनके छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी करीबी हैं। हालांकि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ उनके संबंध सहज नहीं है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने आरएसएस की आलोचना करते हुए कई बड़ी बातें कही और उनके खिलाफ लगातार लड़ने के लिए लालू की तारीफ की। जगदानंद के इस बयान से राजनीतिक बहस अब तेज हो गई है। जगदानंद ने कहा कि तालिबान केवल एक नाम नहीं बल्कि एक संस्कृति है, इस तरह के लोग भारत में भी हैं। राजद नेता ने कहा कि आरएसएस भारत का तालिबान है, इसके लोग दाढ़ी काटते हैं, चूड़ी बेचने वाले और पंक्चर बनाने वालों को पकड़कर बेवजह पीटते हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ लालू प्रसाद यादव लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अरबपतियों और धार्मिक उन्मादियों से लोहा लेने वाले लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने की सजा दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तालिबान बता दिया है, जिसके बाद वो बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है और कई नेताओं ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट के जरिए अब हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा है किन नेताओं ने। बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने कहा है कि जगदानंद सिंह इतना नीचे गिर जाएंगे ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। लालू राबड़ी का 15 साल का शासन तालिबानी शासन से कम नहीं था। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने वाले की जगह तो कांके में है। आपको बता दें कि कांके रांची में स्थित एक पागलखाने का नाम है और ये जीवेश मिश्रा ने ट्वीट के जरिए अपना बयान जारी किया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं बीजेपी नेता प्रमोद कुमार की। जगदानंद सिंह को जब अपने बेटे के लिए बीजेपी का टिकट लेना था तब वे बीजेपी और आरएसएस कार्यालय का चक्कर लगाते थे। बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने बड़ी बात यहां पर कही है। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए था तो बीजेपी और आरएसएस कार्यालय का चक्कर लगाते थे और अब जाकर वे ऐसे बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने बड़ा बयान यहां पर दिया है ट्वीट के जरिए। इनके अलावा सुशील मोदी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के कुशासन में 100 से अधिक नरसंहारों की याद हमें दिलाई गई थी। तब महिलाएं घरों से निकलने में डरा करती थीं और तब बंदूक के बल पर अपहरण का उद्योग चलता था। बड़ा बयान यहां पर सुशील मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में शिक्षा व विकास की स्थिति बिल्कुल चौपट थी। उन्हें आरजेडी में छिपा तालिबान नहीं दिखा। जगदानंद सिंह के लिए उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव की इच्छा अनुसार काम करने और तेज प्रताप यादव से अपमानित होने के कारण मानसिक संतुलन खो रहे हैं। मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने, ये बात सुशील मोदी की तरफ से कही गई है। और उन्होंने कहा है कि मानसिक संतुलन खोने के कारण ही वे आरएसएस की तुलना तालिबान से कर रहे हैं। इसके अलावा ट्वीट किया है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वे आरजेडी में जलील होकर भी थेतराई पर उतर आए हैं, उन्हें ढकनी भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए।
कोई जाहिल आदमी भी आरएसएस जैसे इतने बड़े सामाजिक संगठन को तालिबान से नहीं जोड़ सकता। तो ये तमाम ट्वीट इस समय आपने देखे हैं कि किस नेता ने क्या कुछ ट्वीट करके जगदानंद सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो जगदानंद सिंह के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है और ये तमाम नेताओं के ट्वीट भी हमने आपको दिखाए हैं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की भी याद दिलाई। सुनते हैं मामले पर आ रही प्रतिक्रियाएं। ऐसा कि बहुत दुखद है कि देश के एक समाज सेवी संगठन के साथ जो राष्ट्रवाद की ज्योति पिछले लगभग 100 साल से इस देश में जगा रहा है और एक सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक संगठन है, उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अभी चारा घोटाले के दबाव में, प्रेशर में पिछले 1.5 दशक से पार्टी उठ नहीं पा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे राष्ट्रवादी संगठनों पर मनगढ़ंत आरोप लगाएं। उनको तुरंत आरएसएस से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जगता बाबू जैसा नेता ये पॉलिटिकल डिरेल हो चुके हैं। पॉलिटिकल डिरेल मतलब समझते हैं ना, 88 मतलब फुल और 44 मतलब हाफ, ये 88 हो चुके हैं, फुल हैं। जब इनको लालू जी के नवरत्न में इनको माना जाता था और लालू जी के सुपुत्र किस तरह बेइज्जत कर रहा है इनको, लोगों से छिपा हुआ है क्या? अब कितना दिन समाज को गिरवी रखिएगा? हमारा समाज बहुत स्वाभिमानी है, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर, लेकिन ये व्यक्ति स्वाभिमान से समझौता कर वहाँ रह रहे हैं। कभी बोल देता है बपौती है, कभी हिटलर है, कभी जमीन पर बिठा देता है, उसके बाद भी आप उसी दल में उसी लालू जी के सुपुत्र को महिमा मंडित कर रहे हैं। ये तो समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और इस तरह का भाषा कोई प्रयोग कर सकता है कि तालिबानी है, अफगानी है, तो ये इसका मतलब पॉलिटिकल डिरेल हो चुके हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कोई भी कट्टरपंथी सोच, कोई भी कट्टरपंथी धार्मिक सोच, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, अगर आप अपने धर्म को बड़ा मान के दूसरे के धर्म से नफरत करेंगे और दूसरे धर्म को मानने वालों से नफरत करेंगे और उनके साथ भेदभाव धर्म के हिसाब से आप करेंगे, तो आपसे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता। और हर युग में इस तरीके के शासक आए हैं जिन्होंने एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को अपनी राजनीति के लिए लड़ाया है। वो कौन लोग हैं? हमारे देश में भी हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग धर्मों में, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही धर्म में, हर धर्म में कट्टरपंथी। मगर उन कट्टरपंथियों को हम लोगों को मेन स्ट्रीम में आने नहीं देना चाहिए। ये हम सब लोगों का सबसे पहला धर्म ये है कि जो भी धर्म मानने वाला आदमी है वो दूसरे के धर्म से नफरत ना करे, उस धर्म से भी प्यार। संपूर्ण विश्व को पता है कि तालिबान क्या है, तालिबानी सोच क्या है, तालिबानी संस्कृति क्या है। स्वयं को सर्वोच्च और दूसरे को निकृष्ट साबित करना, जो हमारी बात न माने उनको सरकलम कर देना, ये तालिबानी संस्कृति है। कुछ लोग डायरेक्ट तो कुछ लोग इनडायरेक्ट तालिबान का समर्थक बनकर के और अपनी बाबाई लूटना चाहते हैं, महज मात्र वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। लेकिन इनको समझना चाहिए कि संघ का योगदान इस देश के लिए कितना बड़ा है। कहाँ संघ और कहाँ तालिबान। लेकिन ये बात है कि तालिबान के संदर्भ में इस तरह का बयान देना वो उनकी मानसिकता के साथ साथ उनको पार्टी की सोच को भी दर्शाता है। ये देश और संपूर्ण राष्ट्र जानता है कि आखिरकार ऐसे लोगों के साथ क्या किया।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का विवादित बयान सामने आया है। हम आपको यहां जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बयान देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से कर दी है। जगदानंद सिंह ने आपदा प्रकोष्ठ की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तालिबान एक संस्कृति है जो अफगानिस्तान में है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक तरह से भारत का तालिबान है, जो हमेशा दाढ़ी वाले, चूड़ी बेचने वाले, पंचर बनाने वाले और अल्पसंख्यकों को बेवजह पीटने का काम करता है। उन्होंने कहा कि तालिबान को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जाना जाता है और भारत में आरएसएस भी यही काम कर रहा है। उनके इस बयान पर इस समय काफी बवाल मचा हुआ है। लगातार तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और ये बातें कही जा रही हैं कि जगदानंद सिंह अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो चुके हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जगदानंद सिंह के बयान पर इस समय बवाल लगातार मचा हुआ है। आरएसएस को उन्होंने तालिबान जैसा बता दिया है। तमाम नेताओं की इस मामले पर प्रतिक्रिया भी आई है और तमाम ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको ट्वीट्स भी दिखाए थे और इन ट्वीट्स के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से उनके बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हर कोई उनके बयान को निंदनीय बता रहा है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मेहमानों से हम आपका यहाँ पर परिचय करवा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक इंदुकांत दीक्षित जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से राहुल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तीनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। शुरुआत राहुल आनंद जी आपके साथ करना चाहेंगे। आरजेडी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जिस तरह का बयान दिया है, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं और उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आरएसएस बिल्कुल तालिबान की तरह व्यवहार करता है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जगदानंद सिंह का जो बयान है वो काफी निंदनीय बयान है और मैं इस चीज को समझता हूँ। जो हमारे नेतृत्व से जो बयान आया है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि उनकी मानसिक संतुलन कहीं बिगड़ गई है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो खास करके जिसको वहां के लालू प्रसाद यादव जी के लड़के ने, बड़े लड़के ने उनको असली पहचान बताई थी, जिसको उन्होंने महत्व तक नहीं दिया था, उस व्यक्ति को अगर कुर्सी प्यारा है तभी जाकर वो अभी तक उससे सटा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा आसान सा तरीका है। आज देश की पॉलिटिक्स की ये नई दिशा तय हो गई है कि किसी भी प्रकार से आरएसएस को उंगली करना है और अपने नाम को निखारना है। यही एक परंपरा बन के आ गई है विपक्ष की। अगर पूरे देश में देखा जाए तो अगर आरएसएस की तुलना और आरएसएस के संस्कार के बारे में अगर जानने की आवश्यकता है तो ये लोग एक बार आरएसएस की परंपरा को देखें कि वो है क्या और वो किस प्रकार से सुशोभित है अपने कर्तव्यों को लेकर समाज के अंदर। एक सबसे बड़ी बात होती है। और दूसरी बात यह है कि जो तालिबान की बात वो कर रहे हैं, तो आप ही बताइए कि हमारे देश की या हमारे घर की बहन बेटियां हमारे भारत में ज्यादा सुरक्षित है या वो तालिबान सुरक्षित है? तालिबानी हरकतें जिस प्रकार से देखी गई है और मीडिया के अंदर खास करके जो मानवता पर जो शर्मसार किया गया है कि वो लोग हेलीकॉप्टर पे उनको बांधकर उड़ाते हैं और खास करके महिलाओं का वो शोषण करते हैं, क्या किसी विपक्ष के लोगों ने इसकी निंदा की? किसी ने नहीं की। जो सशक्तिकरण की जो पाठ और जो भाषा की बात करते हैं उनके लिए मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने वो महिलाओं जो शोषित हो रही है, जो दूसरे देश की है, क्या वो एक महिला नहीं है? क्या वो मानव नहीं है? क्या उनके ह्यूमन राइट्स की रक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या किसी ने भी उनके प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही कहा कि वो हमारे भाई हैं, उनको आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात, बीजेपी और आरएसएस का अपना अलग एजेंडा रहा है। हमें कभी भी अपने चुनाव प्रचार में किसी दाढ़ी वाले को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन इनको, आरजेडी को इसकी आवश्यकता पड़ती है, वहां खतवा बोला जाता है और वो सारे चीज निकलते हैं तभी देकर वो चलते हैं। और दूसरी बात यह है, ये बातें जो हमारे देश के अंदर होनी चाहिए, अगर आप हमारी राजनीतिक परिक्षेप में है और आप हमारी विरोधी है तो वो अच्छी बात है, वो करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी तुलना किसी टेररिस्ट से कर दी जाए।
तो कहीं ना कहीं वो सम्मान को ठेस पहुंचता है। और मैं समझता हूँ कि जगदानंद जी को देश के सामने माफी मांगना चाहिए। और कर्तव्य की बात की जाए आरएसएस की, तो आरएसएस ने आज तक कितना कुछ हमारे देश को दिया है ये मैं क्या कहूँ। अगर अगर कोरोना काल की ही बात अगर कर ली जाए तो कोरोना काल में सबने देखा है कि तेजस्वी जी दिल्ली में थे, तेज प्रताप स्वयं पटना में थे, लेकिन किसी भी और खास करके जगदानंद जी की बात कर लेता हूं मैं, किसी भी इनके कार्यकर्ताओं को हमने सड़क पे नहीं देखा किसी को मदद करते हुए। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ही दिखे थे। क्या जब सरकार रहेगी तभी आप रहेंगे? क्या आप विपक्ष में बैठकर महत्वपूर्ण काम और जन सेवा कल्याण का कार्य को नहीं कर सकते हैं? इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए, और खास करके उन लोगों को भी जिनको भारत के अंदर डर लगता था, अब वो तालिबान का साथ देने से बच रहे हैं। ये नसरुद्दीन शाह जी का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने प्रखर रूप से इस बात को कहा है कि इंसानियत सबसे पहले है, मजहब बाद में है। इसलिए मैं मानता हूँ हमें हमें अपने देश की रक्षा और संप्रभुता और अखंडता पे कभी भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। और कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो अपनी राजनीतिक विचारधारा के साथ वो स्वतंत्र है, वो आगे बढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपनी छवि को चमकाने के लिए आप अपने देश की संस्कृति को बदनाम ना करें। ठीक है, बताइए प्रदीप यादव जी, आपका भी रिएक्शन हम इस पर चाहेंगे। और सवाल यही है कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आरएसएस बिल्कुल तालिबान की तरह व्यवहार करता है, या तालिबान की जो संस्कृति है वही आरएसएस की संस्कृति है? जी सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्ते सर। देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया कि आरएसएस जो है वो तालिबान के धरने पर काम करता है, वो 200% सही है। आरएसएस का जो इतिहास रहा है वो इतिहास बहुत तालिबानी लोगों से मिलता है। मतलब दोनों आपस में भी कहा जाए तो सहोदर भाई के तरह कार्य करते हैं। आरएसएस का भी देखिएगा कि आरएसएस में भी प्रशिक्षण जो है, जब आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो हथियारों की पूजा किया जाता है। इनके जो फोटो आरएसएस मुख्यालय से आते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चों को हथियारों के साथ तस्वीरें बाहर आती है, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। वही चीज तालिबान के लोग करते हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को हथियार का ट्रेनिंग देकर उसके आतंकवादी बनाया जाता है। ऐसे कई गुण जो तालिबानियों में पाया जाता है वो भी आरएसएस के लोगों में देखा जाता है और पाया जाता है। इस चीज को लेकर के जगदानंद सिंह जी ने जो कहा ये आरएसएस और तालिबान एक है, जो चीजें मिल रही है हूबहू उसके अनुसार उन्होंने बयान दिया। एक प्रदीप जी आपको शायद पता होगा सर, हमारे यहाँ पर दशहरे पर शस्त्र पूजन की भी एक परंपरा है। तो क्या पूरा का पूरा देश हमारा तालिबानी हो गया जो शस्त्र पूजन करते हैं? और लंबी परंपरा सर बरसों से चली आ रही है प्रदीप जी, तो ये तालिबानी कैसे हो गया? आप शस्त्र पूजा कीजिए बात सही है, लेकिन शस्त्र के साथ जो ट्रेनिंग दिया जाता है, स्थापना दिवस के दिन जो आप ट्रेनिंग स्थापना दिवस के दिन जो आप शस्त्र पूजा करके दिखाते हैं वो चीज क्या है? ये इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है, जिस तरह मॉब लिंचिंग देश में बढ़ा है, जिस तरह की घटना जो मध्य प्रदेश में घटा, यूपी में घटना घटा, जय श्री राम के नाम बुलवा करके मजबूरन मुस्लिम जो डेरी बेचने वाले लोग थे, डेरी बेचने वाले लोग थे उसको जबरन जय श्री राम का नारा लगवाया गया उनसे, और उसकी गिरफ्तारी विपक्ष के 5-6 दिन के बाद होती है। एक मिनट दीजिए, ये सारी चीजें जी बोलिए प्रदीप जी, दिखाती है, ये चीजें दिखाती है कि ये तालिबानियों का और इनका हरकत मिला जुला है। और ये हमारे नेता को ये नसीहत नहीं दे कि जगदानंद सिंह को किस तेज प्रताप जी ने क्या कहा, आज आडवाणी जी को इन लोगों ने कहा, तेज प्रताप को खुद जगदानंद सिंह को हिटलर कहते हैं, हिटलर जैसे नामों से संबोधित करते हैं, और आप बता रहे हैं कि क्या कहा और क्या नहीं कहा? नहीं, ये बोल रहे थे ना कि तेज प्रताप जी ने उनको कहा क्या कहा, तो ये आडवाणी जी के बारे में सोचे, जगदानंद सिंह के बारे में इनको नहीं सोचना है। ये हमारे पार्टी का मसला है, ये हम लोग सोचेंगे, ये आडवाणी जी को कितना सम्मान देते हैं और दिए हैं ये खुद ही जाने। तो जो बयान आया उस बयान में हम 200% सही है, इनकी हरकत है और इनका जो सोच है वो तालिबानियों से मिलता है, इसीलिए आरएसएस जो है। फिर तो पूरे देश को डरना चाहिए कि पूरे देश में आरएसएस का कब्जा हो जाएगा। फिर आप कहाँ जाने वाले हैं प्रदीप यादव जी, ये भी बता दीजिए, क्या देश छोड़कर जाने का इरादा है?
अगर वो तालिबान है तो एक दिन पूरे देश पर वो कब्जा कर ही लेंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देते। देखिए मैम, जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, अलग अलग कितने संगठन बने हुए हैं प्रदीप यादव जी, अलग अलग कितने संगठन बने हुए हैं, और आप जो बातें कह रहे हैं मॉब लिंचिंग, आपकी बातें ठीक है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश में बढ़ने लगी हैं, लेकिन क्या मॉब लिंचिंग की घटनाओं को आप सीधे सीधे आरएसएस के कार्यकर्ताओं से जोड़ देंगे? क्या हर लिंचिंग की घटना में आरएसएस के कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं? नहीं, आरएसएस के कार्यकर्ता लगभग जो लिंचिंग होते हैं उसमें वो जुड़े हुए नहीं रहते। ठीक है, आपका इसका देखिए, आपका इनका ट्रेनिंग आप देखिए ना, इनका प्रशिक्षण शिविर जो है, उसपे मैं आऊंगी, आपकी वो ट्रेनिंग वाली बात पे मैं तुरंत लौटूंगी। कुछ कहना चाह रहे राहुल आनंद जी, डॉक्टर दीक्षित बस एक मिनट का समय दे दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, बताइए आनंद साहब। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो एक बात कही कि शस्त्र पूजा वाली, मैं यही बात इनको कहना चाहता था। और हिंदू की एक परंपरा होती है जो अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, ये हमारी पुरानी संस्कृति है और हमारी सभ्यता है। दूसरी बात है, प्रदीप जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसे क्या डर नहीं लग रहा है क्या। आप एक बात बताइए, अगर आपको भारत में डर लग रहा है तो फिर तालिबान को क्या कहेंगे? इनका स्पष्ट रूप इस पर मुझे चाहिए कि तालिबान के साथ जो इनका प्रेम अभी झलक रहा है, तो तालिबान की जो औरतों को जो काटा जा रहा है वहां के लोगों को, इसके ऊपर इनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती है? और मैं इनको बता दूं कि जब भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय आरएसएस ने कश्मीर सीमा पर निगरानी और विभाजन करके पीड़ितों को आश्रय दिया था, 1962 का युद्ध संभाला था और साथ ही 1965 के युद्ध में भी कानून व्यवस्था संभाली थी, आपातकाल की स्थिति में भी इन्होंने अपनी कानून व्यवस्था संभाली थी, गोवा का विलय को संभाला था, भारतीय मजदूर संघ साथ में, सेवा कार्य की जो भावना हमारी है वो हर वक्त दिन पर दिन हमारी बढ़ती ही जा रही है। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, आज हमारे देश के अंदर जो एक विचारधारा है और जो अपनी संस्कृति को लेकर जो लोग जागरूक हुए हैं, और हमारा देश जो विश्व में एक पटल पे अपने नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करा रहा है, वो देन हमारी सभ्यता की है और उसमें सारे देशवासियों का योगदान है। और हर कोई अपना संगठन बनाकर अपनी विचारधारा को फैलाता है। अभी ही हमारे मित्र ने स्पष्ट कर दिया इस बात को कि हमें डर लग रहा है, तो बिहार में भी डर लग रहा है, कुछ दिन पहले नसरुद्दीन ताजी को भी डर लग रहा था, आमिर खान को भी डर लग रहा था, लेकिन तालिबान पे कुछ कहने को तैयार नहीं है। ये कैसा दोहरा चरित्र है इनका। ठीक है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, पूरा मसला आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, दोनों मेहमानों को भी आपने सुन लिया है, क्या समझ पा रहे हैं सर आप? क्या ले देकर बस एक ही किस्म की राजनीति अब हमारे देश में रह गई है कि दो भागों में हमेशा बटके रहे चीजें, दो भागों में धर्म बट कर रहे हमेशा? देखिए जिस तरह का बयान आया है जगदानंद जी का और जिस तरह से फिर उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रदीप जी, ये बहुत ही शर्मनाक है। देखिए जो जो बातें कहा प्रदीप जी ने अपने जगदानंद जी के बयान को सपोर्ट करने के लिए, वो बिल्कुल तथ्यहीन और बिल्कुल ही अप्रासंगिक है। आप देखें, मैं तो ये जानता हूं कि जगदानंद जी ने ये जो बयान दिया है, ये एक नई प्रवृत्ति, एक नई संस्कृति अपने देश में है और दुनिया में, हमारे देश में आजकल ये ज्यादा देखने को मिल रही है कि जब आप कहीं आउटस्कर्ट पे हो, कोई आपको पूछ नहीं रहा हो, कहीं आपकी चर्चा ना हो, तो चर्चा पाने के लिए कुछ भी ऐसा बयान दीजिए, अनाप शनाप उल्टा सीधा, जिससे उस पर चर्चा हो। आज देखिए जगदानंद जी पे काफी लंबे समय के बाद आपके शो में चर्चा हो रही होगी, नहीं तो लालू जी पे चर्चा होती है, तेज प्रताप पे चर्चा होती है, तेजस्वी पे, जगदानंद जी पे चर्चा नहीं होती है। अब अगर उन्होंने कोई अच्छी बात कही होती तो उनका इतना बड़ा स्टेचर नहीं है कि नेशनल मीडिया पे उनपे इतनी चर्चा होती है एक घंटे की, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया जो बिना बीस सिर पैर का है, तो उस पर निश्चित तौर पे बात होगी। आप ये देखें कि जो अभी हम देख रहे हैं, राहुल आनंद जी ने ठीक रेफरेंस दिया कि तालिबान की जो हरकतें रही 1996 से 2001, पूरी दुनिया उसको जानती है। जी जी। फिर जो जिस तरह से जब वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया ने देखा वो दृश्य जिसपे पूरा अमेरिकन नेशन, अमेरिका के लोग शर्मसार हैं। जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि 20 साल उनकी सेना थी, 20 साल उन्होंने सुरक्षा देने की कोशिश की। आप देखिए अमेरिकी सेना के जहाजों से पहियों पर लटक के भागने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो तुलना करने की कोशिश की, मतलब ये चर्चा अपने आप में ही शर्मसार करने वाली है। आप ये देखें कि संघ ने अभी थोड़ी बहुत बातें राहुल जी ने बताया, नहीं तो 1962 के युद्ध के समय, 1965 के युद्ध के समय
अगर अपने सेना के लोगों को रक्तदान करना था, उनके लिए तमाम सहयोग की राशि एकत्रित करनी थी, सामग्री देनी थी, सीमा पर तक जाकर के सहयोग करने की बात थी। और ऑन दी अदर हैंड आप देखिए आरजेडी का चरित्र, आपने बिल्कुल ठीक रेफरेंस दिया अपने शुरुआती दौर में कि आप देखें कि उसको जंगल शासन कहा जाता है, जंगल शासन व्यवस्था कहा जाता है बिहार में, जो लालू जी का शासन था। आप उनके जो खुद के डॉक्टर थे उनकी गाड़ी, हमारी उनसे बात हुई व्यक्तिगत तौर पे, उनकी गाड़ी उठा ली गई। बाद में उन्होंने बताया ऐसा शासन का तंत्र का डर था उनको कि वो गाड़ी मुख्यमंत्री के आवास में रखी हुई थी। मतलब आप ये देखिए कि इस तरह की चर्चाएं अपने मुख्य सचिव से वो सुर्ती बनवाते थे। आप वहां पे तालिबानी शासन की जो बात की जाती है कि वहां पे जो कह दिया जाता था वो बातें ब्रह्म वाक्य होती थी। आपको याद होगा कि किस तरह से जब उनको जेल में भेजने की बात थी तो हाथी पे सवारी करके गए थे, क्या कोई क्रांति करके आ रहे थे वो? डॉक्टर दीक्षित, अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई हैं जिसमें मॉब लिंचिंग शब्द अब नया कुछ ज्यादा ही इस समय उजागर हो रहा है, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बीच बीच में छिटपुट घटनाएं आती रहती हैं, कहीं जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, कहीं एक बच्चे के सामने उसके पिता को पीटा जा रहा है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर ये लपेटे में आते हैं, फिर लगता है कि हिंदू संगठनों के द्वारा ही ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। अब ये जो बंटवारा हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है? मैं ये नहीं कह रही कि जितने भी हिंदू संगठन है वो सारे तालिबानी सोच के हैं या फिर उनकी सोच ही इस तरीके की है, लेकिन इस बंटवारे के पीछे किसी का तो हाथ होगा। डॉक्टर दीक्षित देखिए, इसमें हम एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे। देखिए हमारे समाज में कितने संत हैं, कितनी लंबी संत परंपरा है, मीरा थी, सूरदास थे, रैदास थे, रसखान थे, और उस परंपरा में आज देखिए आज भी बड़े बड़े लोग हैं। जैसे आप देखिए रामदेव जी, योग के लिए कितनी बड़ी क्रांतिकारी काम उन्होंने किए हैं, मुरारी बापू हैं, लेकिन उसमें एक नाम देखिए आसाराम बापू का भी आए। तो एक कोई व्यक्ति अगर ऐसा निकलता है तो वो एक्सेप्शन होता है, उसके कारण परंपरा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि करोड़ों फॉलोअर्स थे आसाराम बापू जी के। लेकिन अगर उन्होंने कोई कुकृत्य में पकड़े गए, किसी दुष्कर्म में पकड़े गए, तो जो आस्थावान लोग हैं उनको निश्चित तौर पे झटका लगता है। तो जो बड़ा समाज होता है पल्लवी जी, उस समाज में कुछ इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट इनको कहते हैं होते हैं, लेकिन उन फ्रिंज एलिमेंट को रूल नहीं कहा जाता है, ये एक्सेप्शंस होते हैं। और उनके खिलाफ आप देखें कि संघ के जो प्रमुख हैं वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत जी, उन्होंने कई बार इन बातों को सरेआम कहा कि जो इस तरह के लोग हिंदुओं का नाम लेकर के या पीले वस्त्र या जंग के वस्त्र पहन कर करके आप भगवा वस्त्र पहन करके इस तरह की कार्रवाई करते हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कानून व्यवस्था की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताऊं पल्लवी जी, जो हिंदू सनातन परंपरा है उसमें इस बात का उल्लेख है कि जो गरीब है, जो कमजोर है, उसी काम के लिए उसको सजा छोटी देनी चाहिए, लेकिन जो सशक्त है, समर्थ है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर वही काम करता है, इसका मतलब वो जानबूझ के ऐसा काम कर रहा है, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसको उससे ज्यादा सख्त सजा देनी चाहिए। और जो कहते हैं कोर्ट्स में एग्जेम्पलरी एक्शन लेना चाहिए सो देट कि ऐसा कोई करने की हिमाकत न करे। देखिए किसी भी देश में, किसी भी समाज में कानून व्यवस्था जो अपने हाथ में लेता है, क्या प्रदीप जी बताएंगे कि जो लालू जी का शासन था बिहार में, जिसके कारण बिहारी लोगों को पूरी दुनिया में कितना शर्मसार होना पड़ा, लोग अपने को बिहारी नहीं कहते थे शर्म के मारे। और तो एक बड़ा सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है, जगदानंद सिंह अपने बयान में ये भी कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव लगातार जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए काम करते रहे, धार्मिक उन्माद प्रवृत्ति के जो लोग थे उनके खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे, और इसकी सजा उन्हें ये दी गई कि उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रदीप यादव जी आप मुझे ये बताइए कि उन्हें जेल किस लिए भेजा गया था सर, और क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जेल भेजा था, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ। प्रदीप यादव जी देखिए, जब जब देश में कोई व्यक्ति दलितों, पिछड़ों के हकों के लिए लड़ाई के लिए लड़ा, उनको यातनाएं झेलनी पड़ी, उनको जेल जाना पड़ा। लालू जी को 3 केस में जो है कोर्ट ने ही बड़ी किया है, जो जुडिशरी है उस पर हमारा आस्था है, विश्वास है, उनको 3 केस में बड़ी किया है, और बड़ी होकर वो अभी हम लोगों के बीच में है, आगे एक केस पर सुनवाई चल रही है, उसपे उम्मीद है कि कोर्ट जो है दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। न्यायालय है, यानी आप चारा घोटाला जैसा कुछ मानते ही नहीं? कुछ नहीं कहा नहीं, चारा घोटाला जैसा आप कुछ मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी है?
अब न्यायालय आपको बड़ी कर देगा उसी चारा घोटाला जिस पर आप आरोप लगाते हैं। कर देगा सर, अभी हुए नहीं है, कर देगा अभी हुए नहीं है, देगा और होने में बहुत फर्क होता है। और आप तो अभी से कह रहे हैं कि नहीं उन्हें तो साजिश के तहत जेल भेजा गया था। कितनी बार आपने बेल की अपील की थी? आप न्यायालय पर भरोसा कीजिए, अमित शाह को बड़ी किया सारी पार नहीं चलाया क्या? अमित शाह को बड़ी किया सारी पार नहीं चलाया क्या? आप लोग न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं? और ये जो लंबा लंबा देख रहे हैं कि बिहार में जंगल राज था, मुख्यमंत्री आवास से ये मिल रहा है, बिहार में बालिका गृह का काम भूल गए क्या? है सर सर, तीन तीन जो है अभी बड़ा बड़ा घटोला हुआ, सृजन घटोला हुआ, उसको भूल गए आप क्या? है 42 नाबालिग बच्चों के साथ ये जो दरिंदगी हुआ उसको आप भूल गए क्या? आपको जंगल राज याद आ रही है? आज ही दो दिन में जो है तीन बड़े बड़े अफसरों के यहाँ अरबों की संपत्ति जब्त, अभी तक जब्त को जेल से रिहा कर दिया गया, बोला कि मैं यदि राज खोलूंगा तो इसमें कितने बड़े लोग शामिल हो जाएंगे और उनका दिन में ही जेल से थाना से बड़ी दे रहे हैं, यही आपका सुशासन चला जाए क्या? ये सब चीज पर बोलने का जवाब राहुल आनंद जी से ले लेंगे कि यही आपका सुशासन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, पूरा जवाब लूंगी आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। जगदानंद सिंह के बयान पर हम बातचीत कर रहे हैं, तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए राहुल आनंद जी, आप इसे सुशासन कहते हैं? लगातार बालिका गृह में जिस तरह के कांड हो रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं है, और घोटालों के तो बिहार में कितनी लंबी फहरिस्त है वो मुझसे ज्यादा भली भांति आप जानते होंगे। आनंद साहब देखिए, पल्लवी जी हमारे मित्र ने जो भी बातें की, जो भी प्रश्न पूछा, उसमें कहीं भी कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, घटनाएं हर वक्त घटती है, हर सारे राज्य में घटती है, चाहे वो गैर भाजपा शासित प्रदेश से क्यों ना हो, वहां भी इस तरह की घटनाएं घटती है। लेकिन निर्भर करता है उसके ऊपर कि आपका जो मुखिया बैठा है वो किस प्रकार से उस सारी चीजों को देखता है। जो बालिका गृह कांड की जो उन्होंने चर्चा की, तो मैं मानता हूँ ये कृत्य हुआ था, और इसके ऊपर जितने भी लोग आरोपित तय हुए थे सारे जेल के सलाखों के पीछे किसी को छोड़ा नहीं गया है, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। जो सृजन घोटाले की बात इन्होंने की, तो सृजन घोटाले में भी लोग आरोपित बने, उनके भी सारे बैंक अकाउंट्स को जब्त कर लिया गया। और चूंकि हमारे देश की और हमारे संविधान में ये संविधान में ये लिखा है कि आप अपनी जमानत को ले सकते हैं और केस चलता रहेगा, तो किसी की केसेस को खत्म नहीं किया गया है, वो चल रहा है, वो अभी भी आरोपी है। ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए जंगल राज की जो पटकथा की बात की जा रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब 2005 के पहले की जो शासन थे उसमें और अभी के तुलना में बढ़ता बिहार और समृद्ध बिहार का शासन है। और जहां तक पिछले मुख्यमंत्री में जो आरोप लगे थे उनको चारा चोर कहकर लोग संबोधित भी करते थे, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे किसी प्रकार के भी दाग नहीं लगे, यहाँ तक कि हमारे किसी मंत्री के ऊपर भी एक कीचड़ तक नहीं उछला है। तो इससे ये जरूर पता चलता है कि जो शासन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है। जहां कोई अगर कहीं कोई घोटाला भी अगर होता है तो उसके ऊपर सरकार की नजरें हैं। और जिसकी बात इन्होंने एक कही कि एक क्लर्क ने कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो सारे लोग जाएंगे, तो कहते सभी लोग हैं, जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो वो जरूर कहता है कि मैं मुझे सिखाने वाला कौन था। जो भी है कहीं ना कहीं ये हमारी तत्परता है, और हमारी इंटेलिजेंस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी तत्परता से ऐसे तत्वों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि पकड़ा जा रहा है। इससे दो तरीके होते हैं, या तो सरकार की छवि खराब होगी या तो सरकार निष्पक्ष करके और निखरेगी। तो यहाँ सरकार निखरने के तरफ दिख रही है। और एक बात उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात कही कि घटना घटती है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए चोर को अगर चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है तभी वो दंड के अधिकारी होते हैं। तो हमारी सरकार हर वक्त वही की, और लालू यादव जी की जहां तक बात की जाए तो लालू यादव जी को तीन केसों में जहां भी वरी किया गया है तो चौथा में अभी भी उन पर तलवार लटकी है। और हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है और जो न्यायालय है उसमें हमें भी पूरा भरोसा है कि अगर वो बरी होंगे तो वो सबके बीच आएंगे, अगर वो सजा पाएंगे तो वो सजा जेल के अंदर जाएंगे। ये दो चीजें हैं, उनको उनके ऊपर तो
लाइन भी पहले भी लग चुका है, कोई नई बात नहीं है, पूरा देश इस चीज को जानता है। चलिए, वो तो भविष्य के गर्त में है वो कितना बड़ी हो पाते हैं और कितना नहीं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और उसके अलावा ये भी, क्या कट्टरवाद हमारे देश के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है? डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, बहुत इम्पोर्टेंट है जो प्रदीप जी कह रहे थे। देखिए, हमारे समाज, किसी भी समाज में अपराध, कानून व्यवस्था की समस्याएं रहती हैं, लेकिन वो कानून व्यवस्था या अपराध जो होते हैं इक्का दुक्का कभी समाज में, या वो प्रशासन में आप देखेंगे आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी लगातार है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था जहाँ पे जो आरजेडी का कार्यकर्ता कहेगा वही शासन है, जो वो चाहेगा वैसे ही शासन चलेगा, मुख्यमंत्री के घर से क्रिमिनल से बातचीत की जाए, ये व्यवस्था जंगल राज होता है। और प्रदीप जी, आप याद करिए उससे क्या जवाब देंगे आप, जब जेपी का आंदोलन चला था 1975 का, उसमें लालू जी, मुलायम जी, ये सारे लोग शामिल थे, उसमें संघ के साथ क्यों जुड़े? अगर तालिबानी था तो संघ का सहयोग था, तो जेपी का आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन का स्वरूप लिया और वो सक्सेसफुल रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि अन्ना हजारे का भी आंदोलन दिल्ली में हुआ तो उसमें पीछे से पूरा संघ का सहयोग था। तो अगर ये संगठन आपको तालिबानी लगता था तो आदरणीय लालू जी ने 1975-1976 में जो जेपी का आंदोलन चला उसमें क्यों शामिल हुए? 1977 की जो सरकार बनी उसमें संघ के लोगों को, भाजपा के लोगों को साथ में क्यों जोड़ा? क्या उस समय वो दूध के धुले हुए थे, तालिबानी नहीं थे? तो इस तरह से मौका देख करके जब आपने देखा कि हमारे काम का मसला है, हमारी पॉलिटिक्स को सूट करता है, तो वो देशभक्त हो गए, और जब लगता है कि उनको तालिबानी बताने से अपनी राजनीति चमक सकती है तो आप ये बात करें तो गलत है। और जहां तक कट्टरतावाद की बात कहा आपने अलवी जी, देखिए कट्टरवाद कहां पनपता है और क्यों पनपता है, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर किसी देश में, किसी समाज में एक पक्ष कट्टरतावाद की बात करता है तो उसके रिएक्शन में दूसरा पक्ष भी कट्टरतावाद की ओर अग्रसर होता है। अगर देश में उदारवाद और समाजवाद, लोकतंत्र पुख्ता होता है, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, तो ऐसी बातें नहीं होती। भारतीय संस्कृति का उदाहरण लीजिए, सनातन परंपरा में सभी को सम्मान बराबर का होता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? आजादी के बाद से न तो लालू, न नीतीश में बात करो, न भाजपा की, न आरजेडी की, आजादी के बाद से जातिगत राजनीति के आधार पर लोग वोट मांगते रहे हैं। ये परंपरा किसने बढ़ाई, किसने कायम की? और कुछ पार्टियां तो हमारे देश में जातिगत राजनीति के लिए ही जानी जाती हैं। वो क्या अपने दामन को साफ बताएंगी? एक संस्कृत में उक्ति है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किम करिष्यति। जिसके पास आंख नहीं हो उसको कहा जाए लो शीशे में अपना चेहरा देख लो, उसको दिखाई देगा? अभी नहीं। इसलिए जिसके पास ज्ञान है, समझ है, विवेक है, वही समाज को सही दिशा दे सकता है। पल्लवी जी, ठीक है, बताइए राहुल आनंद जी। देखिए, एक चीज मैं आपसे और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कट्टरवाद की जो विचारधारा की जो चर्चाएं होती है, जो हमें बार बार, एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं दीक्षित जी का भी सराहना करूंगा इसके ऊपर, कि जिनके घर खुद सीसी होती है उसको दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और दीक्षित जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो एक संस्कृत की जो बात बताई थी, ये सही में एक ज्ञान देने वाली बात है। दूसरी बात यह है पल्लवी जी कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो उस समय महाराणा प्रताप जी की तरह एक ऐसा मुस्लिम अधिकारी था जो जमीन पर सोता था और कहता था कि जब तक मैं पाकिस्तान को नहीं हराऊंगा तब तक मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। हमारे ही देश के ऊपर थे पूर्व राष्ट्रपति कलाम, अब्दुल कलाम जी। इस तरह के भी मुसलमान हमारे देश के अंदर हैं जो एक समाज को एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं और आज भी एक अमर बनकर उस एक ऊंचे स्थान को प्राप्त कर रखे हैं। तो ये समझ की फर्क है, जिनको जातिगत राजनीति करनी है वो इस प्रकार की बातें जरूर करेंगे। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में आपको एक बात कहा था कि जब हम अपनी विचारधारा को लोगों के बीच में लगाते हैं तो हम 135 करोड़ की बात करते हैं, और हम कभी भी वोट मांगने के लिए किसी दारू वाले का सहारा नहीं लेते हैं, ना उनको लेकर हम स्टेज पे जाते हैं। ये हमारी सोच और परंपरा है, जो हमसे सहमत हैं वो हमारे साथ हैं, और आरएसएस में योगदान देने के लिए मुस्लिम विंग भी बना है। क्या वो लोग आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित नहीं है? क्या आरएसएस उनके घर को ले लिया? कुछ नहीं, वो
प्रभावित है और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बन करके एक ऐसा विंग है जिसके अंदर सारे मुसलमान भाई और बहनों तक सम्मान होता है। तो सोच की अगर आपके पास ज्ञान है तो आप नर और नारायण में आप किसको चुनना पसंद करेंगे ये आरजेडी वाले अच्छी तरह से जानते हैं। उनको नारायण नहीं, उनको नर की आवश्यकता है क्योंकि वो उनको वोट बैंक में देखते हैं। मैंने इसके पहले भी एक बहुत अहम बात कही थी जिसमें मैंने उनको कहा था कि तालिबान में जो हमारी बहनों का जो अपमान हो रहा है उसको लेकर कोई विपक्ष क्यों नहीं आता है फ्रंट पे, क्यों नहीं बोलता है कि वहां पे जिस तरह से दरिंदगी की जा रही है महिलाओं के साथ उसके ऊपर एक शब्द तक किसी का नहीं आ रहा है, सारे लोग खामोश हैं। लेकिन मैंने देखा है न्यूज चैनल पे डिबेट में अक्सर वही लोग कहते हैं अरे आप तो भारत के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है, क्या वो भारत के लोग नहीं है। आज देखिए जो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश की जो और जो एक ऐसा बगीचा जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं ये एक खूबसूरती है वो हमारे पड़ोसी देशों को नहीं पछती है, इसमें पाकिस्तान भी है। और अगर वहां से तुलना की जाए तो हमारा देश सच में बहुत महान है और मैं इस चीज को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जान दे देंगे लेकिन अपने देश के अभिमान को नहीं झुकने देंगे, चाहे वो जो भी हो जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये उनकी मानसिकता और ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। इन सब चीजों से बाहर निकलकर देश को सशक्त और समृद्ध बनाने की बात करना चाहिए। और आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब हमारा देश का जब संसद विस्तार हुआ था तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि आप पीछे सवाल हमसे कीजिए और सरकार से जवाब मांगिए, क्या हमारा विपक्ष उस कर्तव्य को निभाया, वो इधर उधर की बातों में चला गया और देश के पैसों को उन्होंने बर्बाद किया। तो जो मैंने इसी पे ये कहावत कही कि जिसके घर पीछे के होते हैं उनको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकनी चाहिए, तो समझदारी काफी होनी चाहिए ताकि अपने विषय को कभी वो किसी भी सामने में रखे। आपका नेशनल चैनल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम जान देने में भरोसा रखेंगे और अपने अभिमान पे कोई उंगली उठाएगा तो उसका जवाब देने के लिए भी हमारी सेना तैयार है। ठीक है प्रदीप यादव जी, जगदानंद सिंह का बयान आपकी विचारधारा को दिखा रहा है। यादव जी देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार एक राहुल जी बार बार ये कहते हैं कि आरजेडी अपने मंचों पर मौलानाओं को लाता है, बड़े बड़े दाढ़ी वाले को लाते हैं। मैं तो कहूंगा सबसे पहले ये शाहनवाज हुसैन और नकवी जी को पार्टी से उठा करके फेंक दे। तो उन्हें फेंकने की जरूरत ही कहा है, वो कहा कह रहे हैं कि उन्हें दिक्कत है अल्पसंख्यक लोगों से। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मौलाना को लाते हैं, ये को लाते हैं, शाहनवाज हुसैन और इसको नकवी को क्यों रखे, उसको उठाकर फेंक दीजिए। बाकी जो बात ये लोग कर रहे हैं, देखिए हम भारत के संविधान अम्बेडकर जी के जो संविधान है बाबा साहब को उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, हम मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग नहीं है। ये बार बार जाति की बात करते हैं तो हमको ये बताया नहीं कि मनुस्मृति में ये क्यों अभी लिखा गया है, हम मनुस्मृति के संविधान के अनुसार क्यों चले कि मंदिर में जो पुजारी होंगे वो ब्राह्मण ही होंगे, दलित क्यों नहीं होंगे, पिछड़ा क्यों नहीं होंगे, अच्छे पिछड़ा क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होगा वहाँ। यही तो तालिबान का है कि तालिबान सीरियत के कानून को मानता है, तालिबान सीरियत के कानून पर चलता है, आरएसएस मनुस्मृति के कानून के आधार पर चलता है, इसको मैं क्यों नहीं नोट करूं। आखिर जो दलित योग्य है जिसमें दलित में योग्य वो मंदिर का अनुदान क्यों नहीं बने, मंदिर का अनुदान क्यों नहीं बने, क्यों ब्राह्मण ही शंकराचार्य बने, दलित क्यों नहीं शंकराचार्य बने, मैं इस चीज पर सवाल पूछना चाहता हूँ। तो प्रदीप यादव जी मुझे ये भी बता दीजिए, मुझे ये भी बता दीजिए, अभी आप जिस एक वर्ग की इतनी वकालत कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, किसी की तरह किसी भी तरीके से वर्गों को बांटना नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप जिस वर्ग की वकालत कर रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से चल रहा है, इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। उन्होंने क्यों अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं, क्यों आप लोगों को तीन तलाक पर इतनी दिक्कत हो रही थी सर, क्यों हो रही थी दिक्कत, या क्यों उस वर्ग को तीन तलाक पर इतनी दिक्कत हो रही थी, तब तो आप उठकर सामने नहीं आए कि तीन तलाक के ऊपर अगर सरकार कानून बना रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सरकार की झोली में फैसला डाल दिया तो ये बहुत अच्छी बात है, तीन तलाक पर कानून बनना चाहिए था। अगर भारत के संविधान के हिसाब से चलना है तो सबको चलना चाहिए, आप किसी एक वर्ग विशेष से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सिर्फ भारत के संविधान के हिसाब से चले और दूसरा जो समुदाय है वो अपने कानून के हिसाब से चलता रहे। सभी लोग भारत के संविधान के अनुसार जो कानून बन रहे हैं उसी के अनुसार चल रहा है, कानून को मान रहे हैं कि नहीं, जो संसद से जो कानून पास हो रहा है उसको लोग मान ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं मान रहे 370 धारा आएगा तो क्या उसको लोग नहीं मान रहे, क्या मान ही रहे हैं,
मानना तो क्या वो कानून नहीं मान रहा है, मान ही रहा है लोग, मानना पड़ रहा है, मान रहे हैं और पढ़ने में अंतर होता है सर। अब मानना पड़ रहा है, मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ा पॉइंट ये हमें बताइए ना कि दलित मंदिरों के गाड़ी क्यों नहीं बने, ये मनुस्मृति के में क्यों लिखा गया कि ब्राह्मण ही बने, उसको चेंज किया जाए। तो मस्जिद में हिंदू को मौलाना बना दीजिए प्रदीप यादव जी, जिस दिन आप मस्जिद में हिंदुओं को मौलाना बना देंगे उसी दिन मंदिर में भी दलित पुजारी बन जाएगा। प्रदीप यादव हिंदू है, पूजा पाठ करता है, प्रदीप यादव को बना दीजिए। तो आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं सर? बिहार में तो इलेक्शन खत्म हो गए हैं, आपको सत्ता नहीं मिल पाई सर, उत्तर प्रदेश में आरजेडी जा रही है क्या, इसका थोड़ा सा जवाब दे दीजिए। सत्ता कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा, हमने कभी दिख रहा है वो तीन साल पर सरकार नहीं बनाई, 15 साल लालू जी ने राज किया करके जनता के बदले, हमने कभी नीतीश कुमार का सहारा आरजेडी अध्यक्ष पद तक के लिए तो खींचतान मची पड़ी है आपकी पार्टी में, आरजेडी अध्यक्ष पद तक के लिए इतनी भयंकर खींचतान मची पड़ी है कि दो भाइयों के बीच में तलवारें खींच गई, और आप मुझे बैठ कर यहाँ कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए कभी नहीं लड़े, और आप भारत के ही एक संगठन को तालिबानी करार देते हैं और उसके बाद उनके बयान का बैठकर समर्थन भी करते हैं। उसका नियम कानून कायदे तालिबानी ही है। कौन सी महिला को घर से खींचकर मारा गया है? आरएसएस के किस कार्यकर्ता ने कौन से प्रदेश में, कौन से जिले में, कौन से नगर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, मुझे एक वारदात बता दीजिए जहाँ महिलाओं के ऊपर आरएसएस कार्यकर्ताओं की तरफ से अत्याचार किए गए, बताइए। अरे सर वो कोर्ट में चल रहा है मसला, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपको न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? ये संगठन बजरंग दल दुर्गा वाणी संगठन, ये किसका उपज है? ये आरएसएस का उपज है, आरएसएस का प्रोडक्ट है। हाँ, तालिबानियों ने कहा है कि महिलाएं काम नहीं कर सकती, महिलाएं काम नहीं कर सकती। अभी आरएसएस के कार्यकर्ता मेरे दफ्तर में नहीं आए हैं प्रदीप यादव जी, तालिबानियों ने फरमान सुना दिया है टेलीविजन पर बैठ नहीं सकती हैं महिलाएं, अभी तक मेरे दफ्तर में आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं आए मुझे उठाने के लिए। आप 14 फरवरी को गोल्डन टाइम के दिन यही बजरंग दल वाले जो है प्रेमी जो युगल होते हैं उसको तंग करते हैं, वो आरएसएस के कार्यकर्ता करते हैं। ये क्रिसमस के डे के दिन कहेगा कि तुलसी पूजन कीजिए, ये सब चीजें। आप अपनी बात रखने के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें लेकर आ रहे हैं सर? नहीं, देश देश विभिन्नताओं से बना हुआ है, देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमारा संविधान जिन्हें आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं एक संगठन को तालिबान का नाम, सिख ईसाई हमारे चारों भाई है, चारों हमारा कंधा है, इन मिल करके भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का बात करते हैं, सिर्फ हम हिंदू का बात नहीं करते हैं, जितना इस देश में अभी अभी आपने सिर्फ मंदिर की बात उठाई, अभी आपको सिर्फ मंदिर के पुजारियों से दिक्कत हो रही थी प्रदीप यादव जी, अभी आपको सिर्फ मंदिर के पुजारियों से दिक्कत हुई और किसी से दिक्कत नहीं हुई आपको, और किसी से दिक्कत नहीं हुई आपको, और किसी धार्मिक स्थान का नाम नहीं लिया आपने। जाति ये जो कह रहा है कि जाति को बढ़ावा दिया जाता है, और ये जो ये बोल रहे थे कि आरएसएस को लालू जी 1975 में निकले तो जेपी के साथ सैन्य ने योगदान दिया, इसी आडवाणी का रथ लालू जी ने रोकने का काम बिहार के धरती से किया, आडवाणी जी को पुनः वापस नागपुर भेजने का काम किया। लालू जी के विचारधारा को, लालू जी का जो विचारधारा है वह वसुधैव कुटुंबकम का है, लालू जी का जो विचारधारा है भाईचारा एकता गरीबों दलितों को शोषितों पीड़ितों अकेलेतों के लिए है। पहले आप अपने दो भाइयों को एक कर लीजिए फिर पूरे देश को एक कीजिएगा, पहले दो भाइयों को एक कर लीजिए फिर पूरे देश को एक कर लीजिएगा, वो दोनों लड़ रहे हैं अभी खुलकर खींचतान सामने आ रही है, पहले उनको एक कर लीजिए आप। जिसके घर में परिवार है वो हरिया धनमन होते रहता है, जिनका परिवार ही यही नहीं है, जिनको बाल ही बच्चा नहीं है, बस अब ये नया बयान सामने आने लगा है कि इनका परिवार नहीं है, जिनके जिनको परिवार नहीं है उनके उनके घर में क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, मोदी के घर में लड़ाई होगा, योगी और मोदी को बाल बच्चा है। अरे नीतीश कुमार के घर में तो परिवार है सर, नीतीश कुमार का तो अच्छा खासा परिवार है प्रदीप यादव जी, योगी नहीं है बिहार में, नीतीश कुमार है, योगी नहीं है बिहार। नीतीश कुमार के परिवार रहते तो नीतीश कुमार के पुत्र से लोग जानता कि नीतीश कुमार का पुत्र कौन है, कोई जान रहा है क्या? होंगे लालू जी के पुत्र ने तो साबित कर दिया कि कम उम्र में डिप्टी सीएम सबसे यंगेस्ट डिप्टी सीएम बने, सबसे यंगेस्ट विपक्ष के नेता बने, और तेजस्वी जी ने इस चुनाव में अकेले
तेजस्वी जी ने। चलिए एक एक रिएक्शन ले लेते हैं, समय की भी कमी है, दोनों मेहमानों से दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। राहुल जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, बताइए। देखिए मैं सबसे पहले अपने प्रदीप भाई को बता दूं कि पंडित वही है जो ज्ञानी है, यानी जो ज्ञानी है वो पंडित है। और मैं आपको चीज बता देता हूँ, बिहार में अब ये परंपरा खत्म हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं हमारे एक स्वस्थ समाज की देन है कि अब के समय में अन्य जाति के लोग भी पंडिताई का काम करते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं उनका नंबर भी आपको तो भाई साहब हनुमान मंदिर का आप हनुमान मंदिर का जो है राहुल जी आप इनको नंबर दे ही दीजिएगा, आप इनको नंबर दे ही दीजिए। प्रदीप यादव जी आपको राहुल आनंद जी नंबर दे ही देंगे, बताइए बताइए एक बार उनकी बात सुनिए। आप लोग का यही डिबेट करने का बहुत ही गलत तरीका है। नहीं आप हमारे देश में एक संगठन को तालिबानी कह देंगे वो चलेगा, लेकिन आपसे अगर हम ये कह दें कि आपका वो बयान गलत था तो आपको बुरा लग जाता है, तो आपको लगता है कि आप इस तरह की डिबेट क्यों करते हैं? आपके लिए हमारा देश तालिबान हो जाए तो ठीक है। जिनकी हरकतें तालिबानियों से मिलता हो उसको आप तालिबानी नहीं कहिएगा। वो आरएसएस का जिस तरह एजेंडा है उसको तालिबानी नहीं कीजिए। वो भी सीजन कानून को मानता है, ये भी मनोज स्मृति को मानता है। ठीक है बताइए राहुल, मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहरा दे रहे हैं जवाब आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं राहुल आनंद जी। प्रदीप जी राहुल आनंद जी आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं, पूछ लीजिए उनसे, बताइए आनंद साहब। ठीक है सर एक बार से जवाब तो ले लीजिए। अजीत चौबे जो है पटना के रामनवमी में तलवार बांटते हुए गिरफ्तार किया गया था हनुमान मंदिर में, आप ये भूल जा रहे हैं क्या? ये सब मत बात जो सीधा उधर की। अब आप जवाब लेंगे, अब आप जवाब तो ले लीजिए राहुल आनंद जी से, अब आप जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब तो ले लीजिए प्रदीप जी, वो आपका ही जवाब देने के लिए काफी देर से बैठे हैं, बताइए राहुल आनंद जी। देखिए इन्होंने जो कहा महावीर मंदिर के बारे में बात किया, तो कभी भी जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़कर कुछ क्लासेस को पास करके सब ग्रेजुएशन जाते हैं, तब फिर उसके ऊपर की पढ़ाई करते हैं। ठीक इसी प्रकार की परंपरा होती है पंडिताई में भी, और महावीर मंदिर में भी इस प्रकार की परंपरा है, हर मंदिर में इस प्रकार की परंपरा है कि पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही उनको कमान दिया जाता है। दूसरी बात तो प्रदीप जी मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके सारे सवाल का उत्तर दे देता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे हमारे विचारधारा सुनिए, आरएसएस का जो प्रमुख है वो कोई दलित क्यों नहीं बना, ब्राह्मण क्यों बनता है? अब प्रदीप जी उत्तर तो देने दीजिए, उत्तर तो देने दीजिए, अब थोड़ा सब्र कीजिए, थक जाइएगा, मैं आपके प्रश्न को उत्तर देता हूँ। आपने एक बात कही कि योगी जी और मोदी जी हमारी संगठन का एक प्रेरणा स्रोत है, जो हम हर वक्त कहते हैं कि सेवा ही संगठन है और पूरा 135 करोड़ की जनता ही हमारी परिवार है। ये शुरू से कहते आई है बीजेपी, ये कोई नई बात हमारी नहीं है, ये हमारी सोच की उपज है। और मैं आपको बताता हूँ कि देश की सेवा करने के लिए और संपत्ति देने के लिए बच्चे होने की आवश्यकता नहीं है, और निस्वार्थ सेवा की जो भावना होती है उसी को लोग आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरे अंदर भी लालच होगी तो मैं भी कल के डेट में आगे नहीं बढ़ूंगा, उसके लिए मुझे क्षेत्रीय पार्टी का ही सहारा लेकर रहना होगा, इस चीज को मानना होगा, ये कठोर सच्चाई है, मानना ही होगा इसको। और दूसरी बात, आपने एक बात कही कि आरएसएस के लोग लड़कों लड़कियों को मिलने से रोकते हैं, ये आरएसएस के लोग नहीं है मेरे भाई, ये आरएसएस के लोग नहीं है, ये हमारी समाज की और हमारे स्वस्थ समाज की एक कल्पना भी नहीं है। हमारा समाज ओपन नहीं है, हमारी समाज की एक संस्कृति है। उस विचारधारा को बताने के लिए अगर आपको मना किया जाता है तो आप इसको मानिए, ये एक स्वस्थ समाज की विचारधारा है। इसके लिए अमेरिका बना है, स्विट्जरलैंड बना है, जहाँ सारा चीज ओपन में है, और हम अगर भारतीय संस्कृति को मानते हैं तो हमें इन सब चीजों को मानना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो लोग बाबा राम अम्बेडकर जी की बात करते हैं, मैं उनके बारे में कहता हूँ, बस वो पुष्प माला चढ़ाने के लिए ही काम आते हैं जो आप करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा और हमारे आरएसएस की विचारधारा नापाक है, इसलिए क्योंकि हम उनके कर्तव्यों को और उनकी निष्ठा को हम अपने अंदर और अपने जहन में उतारते हैं, तभी जाकर हम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भागीदारी की जो बात करते हैं, आज एक आप अगर आप जातिवाद की अगर बात कर ले तो आज दलित में दलित जितना सुखी बीजेपी के साथ है वो किसी अन्य पार्टी में नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, और ये कठोर सच्चाई है, हमारे देश की ये सच्चाई है।
हमारी देश की जो और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो यही है कि जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है अगर वो बीजेपी का कि हमारा देश बीजेपी का दलित बना क्या, बीजेपी का आज तक कोई दलित बना क्या? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मुझे समझ दीजिए, मैं बताता हूँ। आपने शायद अपनी आज तक के राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक बार सूची निकाल कर देखिए, उसमें ये है नाम, ये सम्मिलित है, और माफ कीजिएगा मुझे देखिए उसमें ये नाम सम्मिलित है, और बिहार जो है देखिए अब आप बिहार पे आ गए, अभी तो आप राष्ट्रीय पे थे, अब बिहार पे आ गए, पार्टी की उम्र। अरे प्रदीप जी मुझे बोलने दीजिए, पार्टी की जो उम्र है ना, पार्टी की उम्र अभी खत्म नहीं हुई है, अभी पार्टी बहुत लंबे समय तक चलेगी, उस समय अन्य लोगों को भी मौका दिया जाएगा। ये आप गलत बोल रहे हैं। और देश का जो प्रधानमंत्री है वो क्या है, आप एक बार हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो किस जाति से आते हैं? तो हम जातिवाद देखिए, हम जातिवाद जो सर्वोच्च पद पे बैठा है वो देखिए कौन है, और हम यहाँ जातिवाद की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, क्योंकि हम हिंदू को लेकर चलते हैं और ये हमारा विचारधारा है। ये अगर आपको खराब लगती है तो मेरे बड़े भाई मुझे माफ कीजिएगा इसके लिए, अगर चलिए राहुल आनंद जी, समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बिल्कुल माफी चाहूंगी सर, समय की वाकई में बहुत कमी है इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो जगदानंद सिंह के बयान पर राजनीतिक बहस इस समय तेज हो गई है, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि उनके बयान पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है और हर कोई उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं, क्या वो अपने बयान को लेकर क्षमा मांगते हैं या फिर नहीं।